उत्तर क्षेत्र बाज खेड़ावाल गुजराती समाज वाराणसी के तत्वावधान में 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक चलने वाले सामूहिक गरबा में छठे दिन मंगलवार को माता का पूजन किया गया, जिसमें यजमान नीरज सेलट के परिवार द्वारा समाज के पुरोहित अनंत मौनी ने कराया। माता के पूजन के उपरांत समाज की महिलाओं द्वारा पारंपरिक 5 ताली रास किया गया, जिसको मीना ठाकर एवं सुशीला पंड्या द्वारा करवाया गया। केसरिया रंग के परिधानों में महिलाएं, युवतियां एवं युवा गुजराती गानों पर घंटों थिरकते नजर आए। नवरात्र के दौरान जहां पूरा देश माँ दुर्गा की पूजा उनके जयकारों से गूंज उठता है, वहीं वाराणसी के पक्के महल में उत्तर क्षेत्र बाज खेड़ावाल गुजराती समाज वाराणसी द्वारा ताली एवं डांडिया खेलकर इसे कुछ खासी अंदाज में मनाया जाता है। नवरात्र पर्व के दौरान 9 दिनों तक हर तरफ गरबा और सिर्फ गरबा की ही धूम होती है। यह गुजरात का पारंपरिक लोक नृत्य है, जिसे सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। कहा जाता है कि इन 9 दिनों में गरबा खेलकर भक्तजन माँ दुर्गा को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं और अपने लिए मनचाहे फल की कामना करते हैं। धार्मिक महत्व के साथ ही डांडिया मौज मस्ती के रंग बिखेरने के लिए भी जाना जाता है। इसे लेकर समाज के सदस्यों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस आयोजन में सभी आयु वर्ग के लोग शामिल हुए। पूरे वातावरण में गुजराती गानों की धुन और हाथों में डांडिया स्टिक लिए ताल के साथ लय मिलाते कदम जहां मौजूद हर कोई डांडिया का आनंद ले रहा था। महिलाएं, युवतियां एवं युवा गीतों के साथ ताल मिला रहे थे। जो बाहर खड़े थे वह तालियों संग उनका उत्साह बढ़ा रहे थे। युवतियां नृत्य के साथ स्मृतियां सजने के लिए सेल्फी खींच रही थी। नवरात्रि के प्रथम दिन में से ही जोशी जी के बगीचे में गरबों के माध्यम से माता की आराधना समाज के सदस्यों द्वारा की जा रही है, जो कि 9वीं तक चलेगी। इस पूरे आयोजन को सफल बनाने के लिए समाज के सभी लोगों ने सुरक्षा से अपना योगदान दिया। विशेष रूप से उमेश जोशी, रूपम सेलट, नीरज पांड्या, दीपाली पांड्या, मेगा मेहता, अंजना जोशी, सूर्यकांत भट्ट, सविता पांड्या इत्यादि पूरी कार्यकारिणी टीम का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम का संचालन मोनिका जोशी एवं श्री कृष्णकांत भट्ट ने संयुक्त रूप से किया।